हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? 12th क्लास के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर अल्टरनेट चैप्टर चला हुआ था, उसी का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर आपने खूब अच्छी तरह से नाम सुना होगा। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है विच चेंज द एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज को चेंज करे। ठीक है, चेंज एसी वोल्टेज, चेंज एसी वोल्टेज। अब चेंज में आपके पास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम दो टाइप के स्टडी करेंगे। एक हमारे पास आता है इसी में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा? विच इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। ये देखिए इधर फिगर पे आइए एक बार। ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर की आपके पास है, ठीक है, और इधर से यहां पर ये आपकी प्राइमरी क्वाइल्स हैं P1 एंड P2। ठीक है, और ये ऊपर हमने इसके ऊपर क्वाइल है जो वाइंड कर रखी है हमने। ये आपके पास इधर से इनपुट सप्लाई एसी के रूप में दे रहे हैं इस साइड से। ठीक है, इधर से इनपुट हम एसी के रूप में सप्लाई दे रहे हैं, इधर से आपको आउटपुट मिलने लग रही है। ठीक है, ये हमने यहां पर की लगा दी, स्विच लगा दिया, इधर से आपको आउटपुट मिलेगी। इनको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल S1 एंड S2। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, ये आपके पास प्राइमरी है। इधर से हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, इधर से आपको आउटपुट मिलने जा रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात स्टेप अप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेप अप कौन सा होगा? विच इंक्रीज द एसी इनपुट, जो इनपुट को इंक्रीज करे। ठीक है, विच इंक्रीज द इनपुट, जो इनपुट हम सप्लाई दे रहे हैं उसको इंक्रीज करे। मान लो हमने सप्लाई जैसे दे दी यहां पर 250 वोल्ट। ठीक है, इसने इसको इंक्रीज कर दिया 280 वोल्ट के अंदर इंक्रीज कर दिया। तो जो इंक्रीज करे इनपुट को उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन विच डिक्रीज द इनपुट वोल्टेज, जो घटाई डिक्रीज इनपुट। ठीक है, आपने सप्लाई के रूप में 200 वोल्ट दे दी, आउटपुट आपको मिलने लग रही है 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड टाइप हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको पता है इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज में वो 90 का होता है। ठीक है, तो 90 का होगा तो यहां पर जो पावर फैक्टर हम लेके चलते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहां पर कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, एक्चुअली में यहां पर हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके चलते हैं, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, जो फील्ड लाइंस है वो सभी इसी के अंदर ही रहती है, बाहर इससे निकल ही नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो बाहर वाली जाने से रोकता है, मतलब अंदर ही कन्फाइन रखता है, इन्हीं के अंदर ही आपके पास जो फील्ड लाइंस है उन्हीं को कन्फाइन करता है, इसी के अंदर ही रखता है, बाहर जाने ही नहीं देता है फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो ये था आपके पास इसी के अंदर जो हम यूज करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां से हमने सप्लाई दिया, आपने इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ईएमआई के ऊपर बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज एन ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आपने फैराडे लॉ के अंदर पढ़ा है इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -dΦ/dt। तो यहां पर भी आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा पर टर्न्स वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इधर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसको हमने नाम दे दिया ईपी अपॉन में टर्न्स एनपी, प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू होगा ईएस अपॉन में एनपी के। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? इधर आपके पास सॉरी एन एस आ जाएगा ना, सेकेंडरी है इधर। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न्स, समझ में आई बात? तो यहां से ES की वैल्यू कितनी निकली, ES इज इक्वल टू क्या आया, NS अपॉन में NP इनटू में EP, और यहां पर ये जो हमारे पास टर्म आई है NS अपॉन में NP, इसको हम यहां पर K से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर आपके पास यहां पर कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में इनपुट वोल्टेज है वो कम होती है, इनपुट कौन सी है ईपी, ईपी जो है वो आपके पास कम होगी और ईएस की वैल्यू है वो
ज्यादा हो। ठीक है, सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ईपी की वैल्यू ज्यादा होगी और ईएस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब जैसे ही इसी के अंदर इनपुट वोल्टेज है वो कम होती है, आउटपुट ज्यादा मिलती है, तो सिमिलरली आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं मैं एनपी, वो भी आपके पास यहां पर कम होती है एज कंपेयर टू एनएस। तो ये देखिए आपके पास एनपी की वैल्यू स्टेप अप पी फॉर प्राइमरी, यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी में कम होंगी, सेकेंडरी में ज्यादा होंगी। ये देखिए यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है सिर्फ टू और यहां पर नंबर ऑफ टर्न है आपके पास फोर। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, अभी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, विच डिक्रीज इनपुट, डिक्रीज का मतलब यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी कम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के अंदर ज्यादा होती है और सेकेंडरी में कम होती है। ठीक है, कौन से ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं, स्टेप डाउन, इसमें डिक्रीज करता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए स्टेप डाउन, तो यहां पर बस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देंगे, इस साइड में कम कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पावर लॉस नहीं होती है, इफ देयर इज नो पावर लॉस, अगर यहां पर कोई भी पावर लॉस नहीं होती है, तो जितनी इनपुट सप्लाई करेंगे, इनपुट मतलब ईपी आईपी इक्वल टू हो जाएगा ईएस आईएस के। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है भाई, जितनी आप इनपुट सप्लाई करोगे उतनी आउटपुट मिल जाएगी। यहां से अपने को एक रिजल्ट मिलता है कि ईएस अपोन में ईपी इक्वल टू किसके इक्वल है, एनएस अपोन में एनपी के। ठीक है, यहां से अगर हम प्राइमरी करंट निकाले, आईपी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ईएस अपोन में ईपी इंटू में आईएस, और ईएस अपोन ईपी किसके इक्वल है, तो आईपी इक्वल टू क्या हो गया, एनएस अपोन में एनपी इंटू में आईएस। ठीक है, एनएस अपोन एनपी को आपने क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, मतलब कहने का अर्थ है इसको आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्राइमरी करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स द सेकेंडरी टर्म। ठीक है, सेकेंडरी करंट के, समझ में आई बात। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं यहां पर अगर हमें सेकेंडरी करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो आईएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईएस किसके इक्वल हो जाएगा, ईपी अपॉन में ईएस इनटू में आईपी आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, ईपी अपॉन में ईएस को एनपी अपॉन में एनएस, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ईपी अपॉन में आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, और ईपी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल, यहां से निकालिए ईपी की वैल्यू, ईपी की वैल्यू क्या जाएगी, एनएस अपॉन में एनपी इंटू में ईएस, तो आईएस की वैल्यू कितनी होगी, एनपी अपॉन में एनएस, ठीक है, अपॉन में आर है ईपी, ईपी की वैल्यू देखिए, यहां से ईपी की वैल्यू निकालें, यहां से निकाल सकते हो आप ईपी की वैल्यू, ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर भेज दो, एनपी अपॉन में एनएस इंटू में ईएस। ठीक है, तो एनपी अपॉन एनएस ऑलरेडी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इनटू में ईएस, ये लो जी ईएस हो गया। ठीक है, तो यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, समझ में आई बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही आईपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको न्यूमेरिकल में जैसा पूछा जाए वैसे हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मर। अब इसी के अंदर आपके पास कुछ एक आते हैं एनर्जी लॉसेस, तो एक बार मैं एनर्जी लॉसेस के बारे में और डिस्कस कर देता हूं। एनर्जी लॉस क्या होते हैं, जैसे अभी आपने देखो कोई भी है, आपको पता है किसी की भी 100% एफिशिएंसी तो नहीं होती है, तो हम बात करते हैं यहां पर एनर्जी लॉसेस की। तो देखिए इसमें एक हमारे पास आता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, सेकेंड जैसे हम बात करें आयरन लॉस, चलिए पहले इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है, अब देखिए यहां पर जो क्वाइल बनाई जाती है ये किसकी होती है, जो टर्न्स हमें बना रखी है ये किसकी वायर रैप कर रखी है, ये सब कॉपर की है। ठीक है, तो अब इसमें लॉन्ग टाइम तक करंट इसमें रहेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो कॉपर का लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या होता है,
ठीक है। अब देखिए ये जो वायर, जो आपके पास वायर हमने रैप कर रखी है, ये हमने किसकी किसके ऊपर कर रखी है, ये आयरन के ऊपर ही कर रखी है, ठीक है। जो क्वाइल हमने यहां पर इसी के ऊपर रैप कर रखी है, लपेट रखी है ना, इसे ऐसे ट्रंस जो आपने कॉपर वायर है उसी को इसके ऊपर लपेट के तो ट्रंस यहां पर ये बनाते हैं इनपुट। तो ये क्या है, जब तार गर्म होंगे, वायर्स गर्म होंगी आपकी, ठीक है, तो सीधी सी बात है आयरन के ऊपर रैप कर रखी तो आयरन भी आपका हीट होगा, तो उसी की वजह से जो लॉस होगा उसको हम आयरन लॉस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है इसमें हमिंग नॉइस, ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस, जैसे मान लो आपके मतलब इनपुट सप्लाई के रूप में हमने करंट दिया, अब क्वाइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। तो अब जैसे लाइट चली गई तो फिर करंट आपका फिर से डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर से बार बार क्वाइल मतलब मैग्नेटाइज हो रही है, क्योंकि जैसे लाइट आई तो करंट आया, करंट आने का मतलब भाई आपकी क्वाइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और फ्लक्स चेंज होगा, तो वही प्रोसेस आपके पास क्वाइल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है करंट के आने और जाने से, ठीक है। उसी के लॉस को हम क्या बोलते हैं यहां पर, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास कुछ एक हमने स्टील के अंदर एनर्जी लॉसेस की बात की। अब मैं बात करता हूं यूजेस, यूजेस आपको पता ही है भाई, एसी जो है ना इसके लिए हमारे पास सबसे बेटर यही है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसका हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आसानी से जो वोल्टेज होती है उसको, ठीक है, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपके पास एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी ये होते हैं, इन सभी के अंदर ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक वेल्डिंग पर्पस के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, तो यह था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।